हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था। और देखेंगे इन दोनों से आपका क्या लेना देना है ईशा, व्हाट गोज ऑफ योर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी बंकर्स के। ये इट्स द गोट। गोट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में रहती। बाबू भैया ने घर के अंदर तो एंट्री पुष्पा ऐसी ली थी कि कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं साला, जो कभी भी झुकती नहीं है किसी के सामने। पापा ने झुका नहीं बिग बॉस के अंदर, चाहे वो सलमान सर थे। बाबू नाम देख के चूतिया समझे क्या, कैपिटल सी वाला चूतियों में जो हर बात पे। बोल रहने को फ्रस्ट्रेशन, मेरे को शांत बैठना है, ये गुस्सा ही है, मेरे को दुख दे रही है, बात कर मत करो ईशा, मेरे को क्या चाह रही है, तू क्यों कर रही है, दूर रह थोड़ा। हाँ दूर रह, अभी सुबह आ जाना। सुबह आ जाना तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि रोज सुबह ये इसके घर पे दूध डालने का काम करती है। देख तो माता, तू जहाँ तू निकल दफा हो जा, तू तेरे को जो करना कर, यहाँ से जा, जो करना है कर तेरे को, अभी यहाँ से जा। मेरे को क्यों क्यों कर रही है हाइपर, मेरे को बात करनी बात करनी। कसम से ईशा जैसी गर्लफ्रेंड हो ना तो बंदा तीन चार बार तो सुसाइड कर ही लेवे। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वो दोनों कहाँ है मुझे नहीं मालूम। तो भेंचोद बैट का ग्रीप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल, गांड। देखिए उसकी तरफ देखे रहे। आशा क्यों आई यहाँ पर, इज्जत बनाने की मिटाने बनाने। सेम सही बात है, जो गोदाम में इतनी गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसी निकलेगा ना। आप उससे दूर रहें और अपना सोलो गेम खेलें। ये शिकायत समझाइश आपको जो समझना है वो समझे, कुछ बातें मैं बोलूंगा नहीं, समझने की भी जरूरत है। कटेगा भाई, समर्थ का बड़ा वाला कटेगा। ये वो अमरीश पुरी नहीं है जो बोलेगा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। चिंटू भी बाजू बैठ के मनारा की बहन मिताली का हार्दिक स्वागत करते हैं। अरे बस कर भाई। अबे ऐसा कौन चिल्लाता है, तेरी बहन क्या ग्रज मूवी की चुड़ैल है जो ऐसा रिएक्शन दे रही है। आज सुबह प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। क्या? मैं जब कैटरीना के पास गया दूध निकालने, मेरे क्या बोला तूने, मतलब भैंस के पास, तो बहुत खुश हो गई कि सल्लू भैया से मिल के आ रहे हो, उसने बहुत दूध दिया। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या के पास पहुंचा लात मारने लगी। अजीब फैशन वाकी फैशन वाई तेरी, तो सलमान सर भी बोल रहे होंगे तुम में इतने छेद करेंगे कि साले कंफ्यूज हो जाओगे कि दूध कहाँ से निकाले और गोबर कहाँ से। जब अभिषेक ने समर को चाटा मारा, एज अ फादर आप पर क्या बीती? कुछ नहीं, क्योंकि बचपन से तो चलता आ रहा है। नहीं नहीं अंकल, ये तो पहली बार जब समर्थ को देखा था ना तभी समझ में आ गया था, गाली और चमाटे होलसेल में खाते आ रहा है। जब बेइज्जती है, समर्थ को चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी तू है पोकिंग मास्टर, तेरी वजह से आज अभिषेक की ये हालत है। तो क्या मनारा ने आपसे पूछा, वाह क्या पता साफ किया। करण जोहर गुस्सा से बिग बॉस में देखने मिलता है। फर्स्ट वीक में आपका और अभिषेक का एक वियर्ड सा रिश्ता था, उसको कोई नाम दिया घर वालों ने? नहीं दिया ना। तो मुझे ये बात बताओ ईशा, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गिव एन ऑफिशियल नेम फॉर मुनावर एंड मनाराज फ्रेंडशिप। करण जोहर बोलते होंगे, करण जोहर सुन के गुड़वा समझे क्या, फायर है अपुन। वैसे ईशा को डायलॉग बहुत सूट कर रहा है। जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो बेसमेंट में कपड़े बदलते।
अगर तू कुत्ते से बात कर रही है तो बता दे। तू कुत्ता है। तू कुत्ते से बात कर रही है तो बता दे। गाली जबरदस्त। मेरी बात सुन ले, तू कुत्ते से बात कर रही है तो अभी के अभी बता दे ईशा। अभी के अभी बता दे। गाली दे रहा है जबरदस्त। तू कुत्ते से बात करेगी तो बता दे जबरदस्ती। हाँ या ना बोल। हाँ या ना बोल। बोल नहीं नहीं मैंने क्या बोला। बोल ना बोल ना बोल। भैंस की पूछ ये किसी दादागिरी है। ईशा भी मनी मन में बोल रही होगी इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है। उठा ले रे बाबा उठा ले। मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।